नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए बम्पर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया है। और इस बार जो हम लोग वैकेंसी का अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, ये जो रेगुलर वैकेंसीज जो है निकाली गई है, और इसमें जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी टोटल रेगुलर बेसिस पे होगी। ना तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, ना तो कोई आपका डेली वेजेस का पीरियड रहेगा। तो इन भर्तियों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा मौका जो है बार बार नहीं मिलेगा जहां आपको जो है एक ही स्टेशन में एक ही सूटेबल जॉब जो है वो पाने का मौका होगा। तो इस एप्लीकेशनों की चर्चा करते हैं हम लोग कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जो दोस्तों नोटिफिकेशन है, ये पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से जारी की गई है। 22 अक्टूबर की नोटिफिकेशन है जो हम लोग आज ही के दिन आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि इनकी तरफ से बहुत सारी पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन से लेके मास्टर डिग्री से लेके प्लस टू और मैट्रिक वालों के लिए सभी के लिए जो है वैकेंसीज निकाली गई है। और सारी की सारी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे है। इनके जो फॉर्म है 1 नवंबर से फिल होने शुरू होंगे और लास्ट डेट जो है उसके लिए 28 नवंबर रहेगी। इसमें पीडब्ल्यूडी जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी कोई फीस नहीं रहेगी, तो वो उन पोस्टों के लिए अप्लाई ज़रूर करें। SC ST के लिए जो है 800 रुपया प्लस साथ में ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेंगे। जनरल OBS और EWS के लिए जो है 1500 रुपया फीस रहेगी प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेंगे। तो अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग की पोस्टें कितनी कितनी निकाली गई है। इसमें ग्रुप A, B और C तीनों कैटेगरी की इसमें वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यह 223 पोस्टों के लिए भर्ती होने जा रही है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर की 1, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर की 1, नर्सिंग ऑफिसरों के लिए बम्पर वैकेंसीज है 195 पदों के लिए इसमें भर्ती होने जा रही है। स्टोर कीपर के लिए 1, जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए 10, जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे के लिए 2, जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 1, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 2, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसको कि LDC के नाम से जाना जाएगा, ग्रुप C कैटेगरी में ये आएंगे 4 पोस्टें इनकी। CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 की 2 पोस्टें, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 और मैनिफोल्ड टेक्नीशियन जो ग्रेड 4 में आएंगे उनकी 2 पोस्टों के लिए भर्ती होने जा रही है। तो ये भर्तियाँ, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के बारे में आपको बता दें कि इसमें जो ग्रुप C कैटेगरी की ये 33 पोस्टों के लिए भर्ती होने जा रही है। 1 पोस्ट इसमें फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। ये जो पोस्टों की भर्ती होगी ये PGI चंडीगढ़ के लिए होने जा रही है। बाकी जो अदर पोस्टों की भर्ती होगी वो PGI का जो सेटेलाइट सेंटर इस वक्त पंजाब के संगरूर जिले में है उसके लिए होने जा रही है। मेडिकल ऑफिसरों के लिए जो लेवल 10 का बेसिक पे इनको दिया जाएगा, 7 पे कमीशन की सैलरी दी जाएगी, यानी कि सेंटर का स्केल इनको दिया जा रहा है। जो सबसे इस वक्त अधिक सैलरी ले रहे हैं अगर पूरे इंडिया में बात करें तो स्टेट्स के स्केल से ज़रा स्केल जो हाई है वो सेंटर के है इस वक्त। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 ईयर तक के व्यक्ति जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आप इस वक्त स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा वीडियो को शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो है दोस्तों 18 से 40 ईयर के व्यक्ति जो अप्लाई कर सकते हैं। इनके अगर हम लोग आपको बता देते हैं कि सैलरी जो है आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसका स्टार्टिंग का बेसिक पे देखेंगे कि बेसिक पे कितना दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें नर्सिंग ऑफिसर का जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपया है, तो इसके ऊपर जो सेंटर का 38% DA लग रहा है, तो आप 44,900 का जो है 38% कैलकुलेट करेंगे, तो जितना ये आपका आएगा उस दोनों को जो है आप इसमें 44,900 में प्लस कर देंगे। मान लीजिए 44,900 का 38% आप सपोज कर लेते, फॉर एग्जांपल के लिए आपका 10,000 आ रहा है, तो 10,000 जो है आप इसमें ऐड करेंगे तो उतनी आपकी सैलरी होगी। तो जितने भी आपकी जिस पोस्ट के लिए आप सैलरी चेक करना चाहते हैं तो आप उसका जो है 38% निकालेंगे, जो आपको DA होगा वो उसको ऐड कर देंगे, उतनी आपकी सैलरी कम से कम होगी ही होगी, क्योंकि उसके बाद जो है आपको अदर सेंटर के अलाउंसेस है वो भी दिए जाएंगे, तो उससे अधिक ही आपकी सैलरी बनेगी। नर्सिंग ऑफिसरों की बात करें तो 195 पोस्टों के लिए भर्ती हो रही थी। 18 से 35 वर्ष इसमें आयु रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास या तो BSc नर्सिंग हो और साथ में या तो आपके रेगुलर कोर्स हो BSc नर्सिंग में, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो और आपका जो है रजिस्ट्रेशन होनी रीजनल सेंटर में आपकी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होनी अनिवार्य रहेगी। स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर को लेवल 6 में रखा गया, 35,000 बेसिक है, तो कम से कम 45,000 के आसपास सैलरी बनेगी इसकी। 18 से 30 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो वो मैथ में हो, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में हो या स्टैटिक्स में हो। साथ में आपके पास MBA होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिक्स या फाइनेंस में। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने अनिवार्य रहेंगे। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की रहेगी।
से 30 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होनी आपके पास अनिवार्य रहेगी, या फिर आपके पास बीएससी हो साथ में डिप्लोमा हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। 18 से 30 वर्ष आयु रहेगी। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो लेवल 6 में ही इनको भी रखा गया। 18 से 30 वर्ष आयु, इसमें आपके पास बीएससी एमएलटी होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए एक्सरे में या रेडियोलॉजी में या फिर रेडियो डायग्नोसिस में। तो इसके अलावा जो अगली वैकेंसी है वो जूनियर स्पीच थेरापिस्ट की वैकेंसी है। 18 से 30 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्पीच थेरापिस्ट के लिए जो है आपके पास बीएससी स्पीच और हेयरिंग में आपका कोर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस जहाँ डिजायरेबल रखा गया है तो वहाँ पे आपके पास एसेंशियल नहीं है, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी दोस्तों अगर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए तो हमने अपनी वेबसाइट www.him-india.com पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल डिकोर टेक्नीशियन की बात करें तो 12th पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो है 6 मंथ का कम से कम ट्रेनिंग कोर्स का मेडिकल रिकॉर्ड्स में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य रहेगा। अगली जो पोस्ट है वो LDC की है, या +2 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, पर आपका जो है बाद में टाइपिंग टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। अगली जो पोस्ट है वो CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 की है, इसमें मैट्रिक पास आपके पास होना चाहिए विद साइंस, साथ में आपके पास OT का जो है 1 ईयर का ड्यूरेशन का कोर्स होना अनिवार्य रहेगा। 18 से 30 साल के व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11th नंबर पे जो पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट रहेगी, 18 से 30 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आपके पास होनी चाहिए और साइंस आपका उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए मैट्रिक पास व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो वैकेंसी है वो मैनिफोल्ड टेक्नीशियन ग्रेड 4 की वैकेंसी है, जिसमें मैट्रिक पास कैंडिडेट जिन्होंने ITI की हो साथ में रेलिवेंट फील्ड में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो ये कुछ वैकेंसीज थी जो RPGI की तरफ से निकाली गई थी। सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर जाते हैं अब हम लोग एक बार। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसको जो है आप इसकी जब PDF डाउनलोड करेंगे हमारी वेबसाइट से तो एक बार रीड कर लेंगे। ग्रुप ए कैटेगरी के लिए जो है इसमें 15 मार्क्स की इंटरव्यू रखी गई है, 85 मार्क्स से आपका पेपर होगा, 15 नंबर की इंटरव्यू होगी, टोटल 100 मार्क्स से आपकी सिलेक्शन होगी। ग्रुप BC के लिए जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो मेरिट बेसिस पे ही जो है आपकी सिलेक्शन होने जा रही है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इन 15 एग्जामिनेशन सेंटरों में जो है आपके एग्ज़ाम होंगे, इसके अलावा जो है और सेंटर आपको कोई नहीं दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई में आपको बता दें कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से PGI की से आपको इसके पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी +2 मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री नर्सिंग से लेके इंजीनियरिंग तक की सभी फील्ड की जॉब अपडेट जो है हम लोग आपके अपने इस चैनल पे लेके आते हैं आपके लिए। तो ये वीडियोस आपके पास इन टाइम तभी पहुँचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।